हमीरपुर एनआईटी संस्थान की बरतानिया से तंग आकर सफाई कर्मचारी ने पेट्रोल छिड़कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। सुबह के समय एनआईटी में कार्यरत सफाई कर्मचारी मोहनलाल ने कमरे के अंदर पेट्रोल छिड़कर खुद को आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन एन मौके पर सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और ऐसा नहीं करने दिया। वहीं सफाई कर्मचारी के द्वारा एनआईटी प्रबंधन के द्वारा शोषण किए जाने के बाद आत्महत्या करने के मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। एचएसओ संजीव गौतम ने कर्मचारी मोहनलाल से गहन पूछताछ की, मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एनआईटी हमीरपुर में पिछले काफी समय से सफाई कर्मचारियों के शोषण और प्रताड़ित करने की बातें सामने आई हैं, जिसके चलते ही कुछ माह पहले सफाई कर्मचारियों ने करीब एक सप्ताह तक कामकाज ठप रखा था। और अब ताजे मामले में सफाई कर्मचारी के द्वारा पेट्रोल छिड़कर आत्महत्या करने के मामले को लेकर सभी हैरान हो गए हैं। सफाई कर्मचारी मोहनलाल ने बताया कि सुपरवाइजरों के द्वारा परेशान किया जा रहा है और कभी ड्यूटी हॉस्टल में लगाई जा रही है और कभी कहीं और भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुपरवाइजरों के तंग करने की शिकायतें भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। एक अन्य सफाई कर्मचारी ने बताया कि एनआईटी प्रबंधन कर्मचारियों से भेदभाव करता है और कई अधिकारी तो गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं, जिस पर सफाई कर्मचारी दुखी मन से काम कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसएचओ संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस को एनआईटी से सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस एनआईटी में पहुंची थी और सफाई कर्मचारी के द्वारा प्रबंधन से तंग आकर पेट्रोल छिड़कने का मामला बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस पूरी तरह से पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर के निजी अस्पताल में रसौली के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से हुई मौत पर गुस्साए परिजनों ने 3.5 घंटे चक्का जाम किया और कब्रों में अस्पताल के बाहर सड़क पर शव को रखकर सैकड़ों लोगों ने यातायात जाम रखा, जिस कारण सैकड़ों वाहनों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्थिति तनावपूर्ण होते देखकर कब्रों में भारी तादाद में पुलिस पर तैनात किया गया। वहीं धर्मशाला राजमार्ग पर चक्का जाम के चलते सीएम जयराम ठाकुर के काफिले को बदलकर सुजानपुर मार्ग से जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार डको गांव की 38 साल की अंकिता रसोली का इलाज निजी अस्पताल पक्का भरो से करवा रही थी और परसों रात को ही ऑपरेशन के समय डॉक्टर के द्वारा गलत नस को काट दिए जाने पर अंकिता की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा अस्पताल के बाहर चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस ने पहले ग्लोर के पास और फिर नायटी के पास शव के साथ आ रही गाड़ी को रुकवा दिया। नायटी ने काफी देर तक परिजनों और पुलिस के साथ नोकझोंक होती रही, जिस पर गुस्साए लोगों ने शव के साथ पैदल ही करीब 6 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और पैदल ही मसियाना के पास पहुंचे। सड़क पर प्रदर्शन करते ही महिलाओं ने कहा कि डॉक्टर की गलती की वजह से युवती की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल वाले आज ताले लगाकर गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महिलाओं ने कहा कि युवती की मौत के बाद अस्पताल पर ताला लगना चाहिए। रास्ते में रोककर अस्पताल तक पहुंचने के लिए रोका है। उन्होंने कहा कि लोग 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंचे हैं। मौके पर पहुंची एएसपी विजय सतलानी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम किया गया और अभी रिपोर्ट नहीं आई है, इसके बाद भी कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि परिजनों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है और आश्वासन के बाद ही लोगों ने चक्का जाम को खोला है। वहीं प्रदर्शन करने आए ये लोगों पर एसएचओ के पिस्तौल निकालने मामले पर कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है और अगर ऐसा हुआ है तो छानबीन की जाएगी। राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें रेणु शर्मा ने मुख्य अतिथि के स्कूलों के
लगभग 350 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस दौरान 12 प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसमें बच्चे पूरे जोश के साथ भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के प्रति बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देवी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने बताया कि आज 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के सभी डीएवी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने प्रदेश भर से आए सभी डीएवी स्कूलों के बच्चों को शुभकामनाएं दी और साथ ही राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट में आए मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। डीएसपी रवि शर्मा ने कहा कि सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को सभी खेलों में भाग लेना चाहिए और खेलों को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। वही स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि आजकल ज्यादातर बच्चे टीवी और मोबाइलों में ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि आज के दौर में बच्चों को खेलों के प्रति ज्यादा ध्यान देकर बच्चों का शारीरिक विकास और